अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसे हैं बच्चों आप सब। आज हमने करना है सर्कल द स्मॉलर नंबर, ठीक है, और फिर करेंगे सर्कल द बिगर नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, इनमें से हम ढूंढेंगे कि जो है आपका स्मॉलर नंबर यानी कि छोटा नंबर कौन सा है। इसमें आप देखें, ये फर्स्ट वाला क्या है, 4, और फिर क्या है यहाँ पे 3, फिर है 1 और फिर है 2, ठीक है। अब आप इसमें देखें, सबसे छोटा जो है वो क्या है, 4, 3, 1 या 2, क्या है सबसे छोटा इसमें, 1 यानी कि 15। तो आप क्या कर देंगे, इसे 15 को सर्कल कर देंगे सिंपली, ठीक है। सिर्फ एक को सर्कल करना है। मैं आपसे आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग यही मिस्टेक करते हैं, जैसे असाइनिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो आप लोग सबको जो है सर्कल कर देते हैं। नहीं, सबको सर्कल नहीं करना, सिर्फ एक को सर्कल करना है जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब दूसरा देखें, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, ये 8 है और ये क्या है, 5 है, ठीक है। अच्छा, देखें सबसे छोटा कौन है, 1 यहाँ पे, और ये 1 जो है 2 सेम है, ठीक है। ये 9 है और ये 0। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे छोटा लिखना है ना, तो इन इनमें दोनों में देखें, पहले वाला नंबर सेम है तो दोनों लिखेंगे इसमें, ठीक है, 0 और 9, ठीक है। अब क्या है, 9 और 0 में सबसे छोटा कौन है, 0, इट मीन्स के 10 सबसे छोटा नंबर है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 7 है। सबसे छोटा आपको क्या नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, लेकिन 3 क्या है, दो जगहों पे है, एक यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब क्या करेंगे हम, दूसरे वाले नंबर को देखेंगे, दूसरे वाला इसका 8 है और इसका 6 है। तो 8 छोटा है या 6, 6 छोटा है, इट मीन्स कि आपका ये वाला नंबर जो है वो सबसे छोटा है, 36, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 और ये 4, इनमें सबसे छोटा जो है वो क्या है, 1 यानी कि 18, 18 को हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद देखें, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये भी 6 है। अब आप देख सकते हैं 6 जो है वो 3 टाइम आ गया है। तो आप क्या करेंगे, जब ये फर्स्ट नंबर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं, इसका सेकंड क्या है, 0 है, इसका सेकंड 8 और इसका 7। तो अब इन तीनों में यानी कि 0 में, 8 में और 7 में सबसे छोटा कौन है, 0, इट मीन्स के ये वाला नंबर आपका सबसे छोटा है। उसके बाद हम करते हैं कुछ सर्कल द बिगर नंबर। इसमें से आप सबसे छोटे पे सर्कल कर रहे थे और इसमें आप सबसे बड़े पे सर्कल करेंगे, ठीक है। इसका देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, इसका यहाँ पे 8 है, इसका 3 है, इसका 5 है और इसका भी 5 है, ठीक है बेटा। हमने क्या करना है, वो सबसे बड़ा देखना है नंबर। सबसे बड़ा इसमें आप देख सकते हैं 8 है, यानी कि आपका जो बिगर नंबर है वो है 87, ठीक हो गया, 87 को मैंने सर्कल कर दिया। नंबर 2 पे देखें, यहाँ पे ये 6 है, ये 8 है, ये भी 8 है और ये 2 है। 8 वाले 2 हैं, तो क्या करेंगे अब, उसके बाद सेकंड डिजिट को देखेंगे, ये 9 है और ये 5 है। 9 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, दोनों में से 9, इट मीन्स कि ये वाला नंबर आपका बड़ा है और हम इसे कर देंगे सर्कल। नंबर 3 पे देखें, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 7, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 3, 7, 7 और 9 में सबसे बड़ा 9 है, तो ये आपका बिगर नंबर हो गया। उसके बाद देखिए, नंबर 4 पे है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, ये 7 है और ये 2 है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 7 यानी कि 72 आपका जो है वो बिगर नंबर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 1 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 6 है। इनमें सबसे बड़ा कौन हुआ, 8 यानी कि 88 आपका जो है वो बिगर नंबर है। ये हो गया। और होमवर्क में आपने क्या करना है बेटा, होमवर्क में आपने करना है टेबल ऑफ 8, ठीक है, टेबल ऑफ 8 आपका होगा होमवर्क, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।